हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम बॉलीवुड 22 में स्वागत है। तो आज हम इस प्रोग्राम में दिखाएंगे साल 2022 की हिट और फिल्म फ्लॉप जो हुई है। वैसे 2021 से ही देखने में आ रहा कि बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पा रही, जबकि इसी दौरान रिलीज हुई कई साउथ इंडियन फिल्मों ने जबरदस्त कारोबार किया है। कोरोना के समय में जहां कई फिल्में जो हैं ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं, जिसमें मेकर्स को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद फ्लॉप की झड़ी लगने की वजह से बॉलीवुड सफल फिल्मों के लिए तरसता दिखाई दिया। तो फिर चलिए जानते हैं कि इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्मों में से कितनी रही हिट और कितनी हुई फ्लॉप। देखिए पहले ये रिपोर्ट। 2022 की हिट फिल्में, अक्षय कुमार और आमिर खान की फिल्में हुई फ्लॉप। गंगूबाई कठियावाड़ी सहित भूल भुलैया 2 ने जमाए अपने पैर। बात करें 2022 में रिलीज हुई बॉलीवुड की उन फिल्मों की जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, तो इनमें से है विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल, आलिया भट्ट की गंगूबाई कठियावाड़ी, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2, आर मधावन की रॉकेटी द नंबी इफेक्ट, वरुण धवन की जुग जुग जियो काफी हिट साबित हुई। मौजूदा समय की बात की जाए तो ब्रह्मास्त्र भी बायकॉट के बीच ठीक ठाक कलेक्शन कर पाई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे हो या फिर रक्षाबंधन, दोनों ही फ्लॉप रही हैं। इसके साथ ऐतिहासिक कहानी पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ये भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद आई फिल्म रक्षाबंधन, जिसका अक्षय कुमार ने जमकर प्रमोशन भी किया। हालांकि ये फिल्म भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई और इस साल की फ्लॉप लिस्ट में भी शामिल हो गई। वहीं बात की जाए आमिर खान की, तो फिल्म लाल सिंह चड्ढा से आमिर खान पूरे 4 साल के बाद दोबारा वापसी की थी। मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले फेमस आमिर खान की 180 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 70 करोड़ का ही कारोबार कर पाई थी। हालांकि मेकर्स का कहना है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अच्छा कलेक्शन किया है। अब बात करते हैं फ्लॉप फिल्मों की। अप्रैल के महीने में रनवे 34, हीरोपंती 2, अटैक 2, ऑपरेशन रोमियो और जर्सी जैसी फिल्में रिलीज हुई। टाइगर श्रॉफ, जॉन इब्राहिम, शाहिद कपूर जैसे जाने माने सितारों की सभी फिल्में फ्लॉप की लिस्ट में शुमार हैं। मई के महीने में कंगना रनौत की धाकड़, रणवीर सिंह की जयश भाई जोरदार, आयुष्मान खुराना की अनेक, गणेश अचार की देहाती रिस्को, अनिल कपूर की थार जैसी फिल्में भी फ्लॉप साबित हुई। जबकि इसी महीने रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया काफी हिट रही। मेजर जनहित में जारी सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़े, जबकि जुग जुग जियो ने जुलाई के महीने में जॉन की रास कवच, ओम, विद्युत जामवाल की खुदा ऑफिस जैसे फिल्में हिट रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी फिल्में फ्लॉप हुई है। कौन सी फिल्में हुई फ्लॉप? रणवीर कपूर की शमशेरा, अर्जुन और जॉन की एक विलन रिटर्न्स, शाबाश मिट्ठू जैसी कई फिल्में कोई कमाल नहीं दिखा पाई। इस महीने में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी की कलेक्शन ठीक ठाक रहा। अगस्त में रिलीज हुई लाइगर, दोबारा, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन में से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। वही बात की जाए साउथ फिल्मों की, तो साउथ फिल्में काफी हिट रही, जैसे की KGF चैप्टर 2 साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म में यश, रवीना टंडन और संजय दत्त जैसे स्टार शामिल हुए। साथ ही हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म RRR भी दर्शकों को खूब पसंद आई। साथ ही आपको बता दें कि ISS राजामौली की ये फिल्म क्रिटिक्स लिस्ट में भी आगे है और इस फिल्म में रामचरण जूनियर, NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार शामिल हुए थे। पोलियन सेल्वन, जी हाँ, ये एक पीरियड एक्शन तमिल फिल्म है जिसका बजट करीब 500 करोड़ रुपए था। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, विक्रम, त्रिशा जैसे स्टार थे। फिल्म चोल समाज की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म ने सिर्फ 32 दिनों में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ की कमाई कर ली थी। अरे
बड़े भाई के पुत्र मधुरांतकन को सिंहासन मिलना चाहिए या छोटे भाई के पोते आदित्य करिगालन को मिलना चाहिए? चोल साम्राज्य का संविधान क्या कहता है? महाराज, चोल वंश चारों ओर से संकट में है। जो राज्य के रक्षक हैं, वही षड्यंत्र रच रहे हैं। विक्रम, तमिल सुपरस्टार कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फासिल की ये तमिल फिल्म एक्शन है और थ्रिलर से भरपूर थी। इस फिल्म में कमल हसन ने एक्शन सीन से फैंस को सरप्राइज किया। फिल्म में दमदार स्क्रीन प्ले और शानदार एक्टिंग देखने को मिली। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 500 करोड़ रुपए कमाए। सूर्यास्त हो जाए तो कल सुबह देखने के लिए कौन जिंदा रहेगा, ये प्रकृति तय करती है। इस जंगल में कैसे कब सुबह होगी ये तय करने वाली प्रकृति नहीं, सिर्फ मैं हूँ। Once upon a time, rules and regulations go. हम पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर अप्लाई करोगे, तोड़ दी जाएगी। ऋषभ शेट्टी की इस कन्नड़ फिल्म को 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। सिर्फ 16 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 394 करोड़ रुपए की कमाई की। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा। आपका नहीं है ना, मेरा है और मुझे ये सब वापस चाहिए। बड़ा बड़े प्रार्थने बड़ा बड़े प्रार्थने को तिना रहे निम्ब जाग ना इंद्रसी कोड़ते ऊर जगह निम्ब इंद्रसी कोड़ते ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಅಚ್ಚಾ आपने ये रिपोर्ट तो देखी ली। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्में इतना चल रही हैं और लोगों को काफी पसंद आ रही। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में 2022 में काफी फ्लॉप हुई हैं। इस साल की हिट और फ्लॉप फिल्मों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार, आपका सभी दर्शकों का मेरी ओर से नए साल की बधाई भी और बहुत बहुत आज के नमस्ते। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि साउथ इंडस्ट्री की सभी फिल्में काफी पसंद की जा रही हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि बॉलीवुड की फिल्में इतना चल नहीं रही हैं साउथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में? देखिए, अगर आप साउथ की बात करें तो कम से कम 3 या 4 ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं 2022 में जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस किया है, बल्कि ऐसा बिजनेस किया है जो बॉलीवुड की फिल्में नहीं कर पाती। गजब बिजनेस रहा पिक्चर का। लेकिन आपने उन चारों फिल्मों की कहानी देखी, आपने उनका पिक्चराइजेशन देखा, आपने उनके सीक्रेट देखी, उनके स्टार्स देखे। साउथ में आज भी हम लोग बॉलीवुड में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग बॉलीवुड में कहते हैं लीग से हटकर सिनेमा बना रहे हैं, हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। बॉलीवुड साउथ ये कभी दावा नहीं करता, साउथ कभी नहीं कहता कि हम लोग लीग से। आप ट्रिपल आर देखिए, एक मामूली कहानी है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, किस दौर में शुरू होती है पता ही नहीं है। आप उसके बाद की फिल्म उठाइएगा, कितनी ज़बरदस्त गई सर, पूनम को सोच सकता था इतनी हिट फिल्म गई है पूनम वाली कि कोई सोच नहीं सकता। लास्ट वाली देखिए कौन सा गजब। साउथ की फिल्में हिट होने की मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह यही है कि वो आम दर्शक से, उस दर्शक से जुड़ा हुआ है जो सिनेमा देखने जाता है, सिटी बजाने जाता है, मस्ती करने जाता है, टाइम पास करने के लिए जाता है। बॉलीवुड क्या हो रहा है कि बॉलीवुड सिनेमा कहीं ना कहीं आपको टेंशन दे जाता है। फिल्म जहाँ ख़त्म होती है आपको मालूम नहीं होता कि आगे क्या होने वाला होगा। यहाँ भी है, अब सीक्वल बन रहे हैं साउथ में भी, लेकिन साउथ वाली फिल्म आपको पूरी संतुष्टि देती है। पैसा वो भी खर्च करते हैं, उनका हीरो आम जनता का जुड़ा हुआ कलाकार दिखाते हैं। हमारे बॉलीवुड में दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ का जो हरा हीरो होता है वो उस दुनिया का होता ही नहीं, मिडिल क्लास का दिखाते हैं, लेकिन वो सपना देखता है जाकर के अमेरिका के अंदर। साउथ की फिल्में देखिए आप, मैंने अभी तीनों चारों फिल्में देखी जो हिट हुई हैं, फ्लॉप भी हुई हैं ऐसी बात नहीं, साउथ की कई फिल्में इस बार नहीं चल पाई हैं, लेकिन जो फिल्में हिट हुई हैं उन फिल्मों की जो कहानी थी, जो प्रेजेंटेशन था, जो स्क्रिप्ट थी, वो मैं कहता हूँ बिल्कुल आम जनमानस से जुड़ी थी। वो सिनेमा वो था जो गांव, कस्बा, शहर से लेकर मल्टीप्लेक्स तक चला। आम तौर पे बॉलीवुड में क्या हो गया, बॉलीवुड में क्या है, कहते हैं यार ये मल्टीप्लेक्स कल्चर की पिक्चर है, ये बुद्धिजीवियों की पिक्चर है, ये मसाला फिल्म है। आपने कभी सुना इनके लिए बारे में, साउथ के बारे में, कि साउथ की किसी फिल्म के बारे में ट्रिपल आर या बाहुबली को बोला हो कि नहीं नहीं भाई ये तो गांवों की पिक्चर है या ये मल्टीप्लेक्स की पिक्चर है? बाहुबली ने बिजनेस किया मल्टीप्लेक्स भी गजब, सिंगल स्क्रीन गजब, गांवों में कमाल का बिजनेस किया। वहीं इसी साल जो फिल्में रिलीज हुई हैं, चाहे सीक्वल रहे, केजीएफ को देखिए आप, गजब केजीएफ का। वो सोच सकता था कि केजीएफ का लोगों को 6 महीने से बेकरारी से भयंकर इंतजार था,
बहुत इंतजार था, और जब फिल्म लगी तो उसके आसपास आई बॉलीवुड फिल्में धराशायी हो गई। उन फिल्मों का नामो निशान नहीं रहा कि कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी जा रही है। ट्रिपल आर के आसपास क्या हुआ, बॉलीवुड बहुत मार खा रहा है हॉलीवुड से और साउथ से। वो जब तक इनको ऐसा करेंगे, अपने आप को अलग से पेश करेंगे, ये कहेंगे नहीं जी हम तो 21वीं सदी का सिनेमा बना रहे हैं, 22वीं का बना रहे हैं, वहाँ तब तक मुझे लगता है ये आम दर्शक से बॉलीवुड सिनेमा नहीं जुड़ पाएगा। तो सर अगर हम बात करें, अधिकतर फिल्मों के आते ही पहले ही बॉयकॉट का ग्रहण लग जाता है, तो इसकी क्या वजह है कि फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आती, या फिर ऐसी कोई स्टोरी उठाई जाती है जो दर्शकों को पसंद नहीं आती? देखिए बॉयकॉट का आपने जिक्र किया, लेकिन बॉयकॉट पे देखिए अंकिता जी कि बॉयकॉट की फिल्म का काम नहीं हुआ, बॉयकॉट आमतौर पर हुआ स्टार कास्ट का, बॉयकॉट आमतौर पर वह फिल्म के सब्जेक्ट का या उस हीरो के पिछले इतिहास का। अगर लाल सिंह चड्ढा हुआ तो लाल सिंह चड्ढा की तो किसी को कहानी नहीं मालूम थी, कौन सी कहानी किसको मालूम थी, लेकिन जो उससे पहले आमिर खान के बयान रहे, किरण राव के बयान रहे, जो फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी उस चीज़ को धो नहीं पाई, अगर उस रिलीज से पहले अगर आमिर खान सामने आते, लोगों के सामने अपनी बातें रखते, आम जनमानस से जुड़ने की कोशिश करते और मानते कि वो मेरा बयान कहीं ना कहीं गलत था, मैं भावनाओं में बह गया था, तो लाल सिंह चड्ढा को ऐसा ग्रहण ना भुगतना पड़ता। अब आने वाले टाइम की जब ये बात करेंगे, और देखिए फिल्में, कई फिल्मों पर विवाद हुआ, अब इसी बीच में पिछले साल में अगर आप 2022 की हम लोग कर रहे हैं चर्चा, तो उठाइए ना फिल्म, क्या गजब फिल्म चली है। मुद्दा उठा कश्मीर का, मुद्दा उठा अनुपम खेर का, मुद्दा उठा कि यार इसका जो डायरेक्टर है ये आरएसएस का आदमी है, मोदी ने फिल्म को अपने ट्विटर पे क्यों डाला है। लेकिन उसके बावजूद विवाद उस पर भी हुआ, भयंकर विवाद हुआ, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने कहा हम फिल्म को नहीं देखेंगे। मैंने खुद अपने इस फिल्म को देखने के लिए मैंने 2 या 3 बार ये फिल्म देखी, जा करके डिलाइट सिनेमा पर देखी, जहाँ भी देखी, एक कम्युनिटी के शुरू के लोगों ने अपनी ओर से टिकटें बांटी, 100-100 टिकट लेकर वो सिनेमा पर खड़े होते थे, जो भी दर्शक आता था उसे कहते थे बुकिंग से मत खरीदो, ये हमारी तरफ से टिकट है, उसका फायदा मिला। लेकिन बायकॉट उसका भी हुआ, उस फिल्म का भी हुआ कश्मीर का, चूंकि जो सच्चाई दिखाई गई, जो कश्मीर फाइल में दिखाई दिया, वो कभी हमने हिंदी सिनेमा में नहीं देखा था कि किसी ऐसी फिल्म में एक वो सीन दिखाया जाए कि एक लड़की को एक मुक्त को आरे से काट दिया जाता है। रेप होना फिल्मों में एक आसान बात है, लेकिन इतनी ड्रामनी फिल्म का एंड होना और उसके बावजूद फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस करती है, गजब बिजनेस करती है, विवाद होने के बावजूद बिजनेस कर रही है। लाल सिंह चड्ढा क्यों नहीं कर पाई, लाल सिंह चड्ढा की जो स्टार कास्ट थी, बड़े बड़े करीना कपूर जी बयान दे देती हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप फिल्म देखिए ना देखिए, आमिर खान कुछ नहीं बोलता फिल्म के बारे में लेकिन अपने पिछले दाग को धोता नहीं है। अगर वो उस मुद्दे को लेकर आता तो मुझे लगता है लाल सिंह चड्ढा चढ़ती, लेकिन फिल्म बायकॉट जो हो रहा है वो फिल्म का नहीं हो रहा। एक बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात कि फिल्म का बायकॉट बहुत कम हो रहा है, किसी को मालूम ही नहीं फिल्म में क्या है, वो उसके स्टार्स का हो रहा है, उसके कलाकारों का हो रहा है, उसके किसी ना किसी ऐसे बयान का हो रहा है जो उसने आज से साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले बयान दिया। अब दीपिका पादुकोण है, वो कब उस गैंग के साथ चली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चली, उसके साथ वो ग्रहण ऐसा जुड़ गया कि छिपास जो भी उसकी पिक्चर लगी वो उसको कहीं ना कहीं उसको मुद्दा पड़ा, फिल्म बिजनेस भी नहीं कर पाई। अब देखिए दीपिका की फिल्म नहीं बिजनेस कर पाई, ये सच्चाई है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग होता है, एक मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं, मित्र हैं, फैमिली वाले हैं, वो कहते हैं नहीं यार हम ये फिल्म नहीं देखेंगे, हम बताते हैं भाई अभी तो फिल्म का पता ही नहीं, कहानी नहीं, ट्रेलर आप देख रहे हो, नहीं नहीं ये जो उसका हीरो है ना बड़ा हिंदू विरोधी है या उस कौम का बड़ा उल्टा सीधा बयान देता रहता है, भाई हम अपना पैसा क्यों खर्च करें। कुल मिलाकर जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके बयानों को लेकर ही जो फिल्में हो रही वो फ्लॉप हो रही हैं। तो सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आमिर खान के तो बयानों की बात थी, लेकिन अगर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन ले लें, सम्राट ले लें, पृथ्वीराज, तो उन फिल्मों को भी 2022 में फिल्मों को फ्लॉप हुई हैं, तो इनकी क्या वजह रही है? देखिए रक्षाबंधन की भी अगर आपने देखा हो, बायकॉट वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके साथ फिल्म के जो एक कहानीकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थी फिल्म की, उसके जो एक प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग थे, उनका उन्होंने 2 मुद्दे उठा लिए कि उसने कुछ समय पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के किसी बयान का समर्थन कर दिया था, कहीं उसने एक ऐसा बयान ऐसा दे दिया था जो एक खास कम्युनिटी को, मैं कहूँगा हिंदू कम्युनिटी के थोड़ा सा खिलाफ लगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अक्षय कुमार को। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहनी पड़ेगी, आपने शायद रक्षाबंधन देखी हो, हमारे बहुत दर्शकों ने देखी हो, मेरी तो भी नौकरी है, मैं फिल्म देखता हूँ, मैंने भी रक्षाबंधन देखी। रक्षाबंधन फिल्म 2022 की फिल्म नहीं थी, रक्षाबंधन का जो एक सेट था, जो फिल्म की कहानी थी, 2 घंटे से कम की फिल्म है,
अब बताइए, अब 2 घंटे से कम की फिल्म में गाने भी डाल रहे हैं, मस्ती मजाक भी डाल रहे हैं, आप रक्षाबंधन को बना रहे हैं, एक पूरा परिवार होना चाहिए, 2.5 से 3 घंटे की फिल्म बनती है। रक्षाबंधन के फ्लाप होने की वजह कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी भी थी, उसकी कहानी मैं ये नहीं कहूँगा बेकार थी, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था, बहुत अच्छा मैसेज था, लेकिन वो मैसेज प्रधान फिल्में और इस तरह की कहानी वाली फिल्में 1980-90-2000 तक चलती थी, मैक्सिमम आप 2010 का पीरियड उठा लीजिए चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं चल रही वो फिल्में, क्योंकि अपने अपने हमें आप अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बोला कि बॉलीवुड वाले और वो जो हमारे दर्शक हैं जेन एक्स बोलेंगे हम इसको, यंगस्टर बोलेंगे, ये अपने आप को कुछ अलग मान रहे हैं, ये कहते हैं नहीं यार आपने पुराना ढकोसला नहीं देखा, कुछ नया देखना चाहिए, इस चक्कर में फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, दर्शक भी कम हो रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अक्षय कुमार को ही भुगतना पड़ा है। अब आपने पृथ्वीराज की बात की, इतना बड़ा बजट फिल्म का, इतना बड़ा बैनर यशराज बनाने को खूब प्रमोट भी किया गया, खूब अक्षय कुमार जी ने जगह जगह जाकर चक्कर काटे, पब्लिक से मिले, सबसे मिले, लेकिन उस फिल्म की अगर आपने गौर करें तो उस फिल्म में जो कलाकार थे, अगर आप अक्षय कुमार को निकाल दें तो मुझे आप फिल्म के 4 स्टार कास्ट नहीं बता सकते, 4 लोग क्या थे, उसका जो मेन करेक्टर जो विलन था उसमें आपने उस कलाकार को पेश कर दिया जो कि उसके सामने टिकता ही नहीं है, आपको अक्षय कुमार के लेवल का कलाकार देना था जो उस रोल को कर पाता, वो नहीं कर पाया, कहानी कमजोर रही। इसी कड़ी में आपने अक्षय की बात की तो मैं राम सेतु को भी लूंगा, अक्षय की तो कई फिल्में बेचारे की लाइन से गई हैं, अब राम सेतु एक अच्छी कहानी थी, एक कहानी पे काम होना चाहिए था, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी श्रीलंका भारत और वो आर्टिकल चल गए ऐसी भटक जाती है कि दर्शक के पल्ले ही नहीं पड़ती। अक्षय कुमार की फिल्म का बायकाट मुझे नहीं लगता किसी फिल्म का बायकाट हुआ, क्योंकि अक्षय कुमार बेसिकली उसकी फिल्म का बायकाट हो सकता था कि पहला स्टार है बॉलीवुड का जिसने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया, ये पहला स्टार था जिसने नरेंद्र मोदी के भाषणों के ऊपर, मतलब जो उसने मेन मुद्दा बोला महिलाओं के लिए बोला टॉयलेट बना दी, दूसरा मुद्दा बोला पैडमैन बना दी, तो उसका तो बायकाट होना चाहिए था क्योंकि एक बार कहता, लेकिन आपने अभी कहा ना मैंने कि यहाँ पर फिल्म का बायकाट नहीं हुआ है, अक्षय कुमार का बायकाट होता अगर अक्षय कुमार किसी वर्क के लिए उल्टा सीधा बोल देता, अगर वो भी कह देता कि नहीं मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मेरी बच्ची जो है मेरे बेटे जो है वो अब विदेश जा रहे हैं पढ़ते हैं, अक्षय कुमार का बेटा बाहर पढ़ रहा है, लेकिन वो अगर ये बयान देता कि भारत में ऐसा माहौल नहीं है मैं अपने बेटे को पढ़ने बाहर भेज रहा हूँ, तो अक्षय कुमार इंडस्ट्री से लगभग गायब ही हो जाता, तो उसकी फिल्मों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसकी कहानी को, उसकी स्क्रिप्ट को, और कहीं ना कहीं उस फिल्म पर हुए छोटे मोटे विवाद को, विवाद तो मैं ऐसा मानता ही नहीं, राम सेतु पर क्या विवाद था, होना चाहिए था राम सेतु पर विवाद, बहुत होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हुआ। अक्षय कुमार विवादों से दूर रहने वाला आदमी है, मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ, किस्मत से बॉलीवुड में मेरे को 3-4 इन कलाकारों से ज़्यादा मिलने का मौका मिला। अक्षय कुमार जी बयान देते हुए भी जो पर्सनल बात करते हैं तो आपसे टीवी रेडियो माइक से बंद करवा देते हैं, तब अपनी चर्चा करते हैं, और बहुत खास लोगों से करते हैं। तो अक्षय कुमार की फिल्में जो फ्लॉप हुई हैं उसकी वजह फिल्म की कहानी थी, फिल्म का प्रेजेंटेशन था, फिल्म में कहीं ना कहीं ऐसे वो सीन्स वगैरह थे जो दर्शकों को पसंद नहीं आए, तो विवादों से अक्षय कुमार की फिल्म का कुछ दूर दराज तक कोई वास्ता नहीं रहा। अगर बात की जाए द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई कठियावाड़ी और साथ ही कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2, रॉकेटी द नंबी इफेक्ट भी, और साथ ही वरुण धवन की जुग जुग जियो काफी हिट साबित हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र की बात की जाए तो बॉयकॉट के बीच में ठीक ठाक कलेक्शन कर पाई थी, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चल गई थी। वहीं अक्षय कुमार की रक्षाबंधन हो या फिर सम्राट पृथ्वीराज, वहीं आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, तो ये क्या रहा इनका कलेक्शन और साथ ही कंटेंट भी अच्छा नहीं लगा, ये दर्शकों के दिल पर राज नहीं कर पाई, जबकि ऐसा पहली बार हुआ कि आमिर और अक्षय की फिल्में फ्लॉप हुई हैं। सर इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जब ये आमिर खान की और अक्षय की फिल्म, आपको मालूम होगा कि सेम डे रिलीज थी फिल्म और 2 बड़ी फिल्में थी, तो हम लोगों में चर्चा यही होती थी, मैं कुछ जगह बहस पे भी गया, कुछ हमने आर्टिकल लिखे कि 2 स्टार आमने सामने आते हैं ना फिल्म फ्लॉप होती, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमिर खान की जब फिल्म लगान आई थी, आपको ध्यान होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट सेम डे रिलीज हुई थी गदर, सन्नी देओल अमीषा पटेल की, दोनों का बिजनेस गजब था, बेहद तो बहुत ही हिट थी, और लगान फिल्म ने भी रिकॉर्ड तोड़े थे कमाई के भी, प्लस ऑक्स तक, ऑक्सफोर्ड तक गई थी, ऑस्कर के लिए फिल्म गई थी, वो कितनी बड़ी कलेक्शन थी, कितना बड़ा फिल्म का नाम हुआ था। गदर एक मसाला फिल्म थी, दर्शकों ने उसको हाथ हाथ अपना लिया, गांवों में उस फिल्म के लिए रात को लोग जाके बैठ जाया करते थे, आज भी चर्चा में गदर का पार्ट 2 आने वाला है तो लोग उसके लेके बैठते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि इनकी फिल्में क्यों नहीं चली, क्या वजह रही, तो उसकी वजह सबसे बड़ी बात है, आमने सामने आना कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रक्षाबंधन आ रही है और आमिर खान की फिल्म आ रही है, कि नंबर 1 दोनों का टेम्पो नहीं बना। रक्षाबंधन फिल्म को अक्षय ने प्रमोट किया,
दिल्ली आकर प्रमोट किया, चूंकि रक्षाबंधन में वो गोलगप्पे बेचने वाला बना हुआ एक ढाबा टाइप का खोमचा लगाता है, छोटी सी दुकान, उसने इस तरह प्रमोट किया कि दिल्ली में सिनेमा घर के अंदर भी उसने कम से कम गोलगप्पे से लेकर भल्ले तक के टिक्की के स्टॉल लगा दिए ताकि लगे मैं उस सेट में हूँ। वो लड़के वाला स्टोरी थी कि जो भी गोलगप्पे खाता है वो लड़के उसके पैदा होते, वो यहाँ तो उसके उसने पेश बना रखा था। लेकिन फिल्म के साथ क्या था कि यंग जनरेशन नहीं जुड़ी फिल्म के साथ, और बिल्कुल जो खास तौर से कहानी जो तो फिल्म थी वो हर स्टार्टिंग टू लास्ट में आपको मैसेज दे रही थी, रुला रही थी। फिल्म का क्लाइमेक्स मैंने बहुत देखा, मेरे एक सिनेमे के जानने वाले मैनेजर मित्र हैं वो बता रहे हैं कि मेरे अरसे बाद जी चंद्र मोहन जी मैं इस फिल्म में रोया हूँ। अब देखो वो तो रोए चूंकि वो 50-60 के बीच के दर्शक कर रहे थे, वो उस टाइम ऐसी फिल्में देखते थे, मेरे को भी नेचुरल आंखों में आंसू आए। लेकिन जो हमारी जनरेशन चेंज हो चुकी है, यंग जनरेशन है, ये तो इतने रिश्तों को मानती नहीं है, इनके लिए तो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्ते अलग हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ये नहीं रोए, इनने उल्टा अक्षय कुमार को रुला दिया, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को रुला दिया कि फिल्म की कमाई नहीं हुई। आमिर खान की फिल्म आमने सामने होने के बावजूद क्यों नहीं चली, अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आमिर खान की जो फिल्म का विवाद उठा वो लोगों ने देखा ही नहीं कि लाल सिंह चड्ढा की कहानी क्या है, ये लाल सिंह चड्ढा है कौन। एक तो जानने वाला मुझे कह रहा था नहीं जी तो ये वेव सिनेमे के मालिक है पोंटी चड्ढा, उनके ऊपर फिल्म बनी है, जबकि कोई वास्ता ही नहीं, कोई चर्चा नहीं। मैं उस फिल्म के लिए टीवी चैनल में गया था लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट में, तो जो लोग बैठे थे एक दो चर्चा करने वाले, एक हिंदू संगठन थे एक और थे, तो हमने जब उनसे पूछा तो उनको नहीं मालूम था कि फिल्म में क्या है, उनको ये मालूम था कि आमिर खान की बीवी ने बोला है कि ये देश रहने लायक नहीं है, इस देश में बड़ा। और देखिए कौन बोल रही है ये बात, मजे की बात देखिए, आमिर खान ने नहीं बोला, उसकी हिंदू वाइफ ने बोला, किरण राव हिंदू है, उसने ये बात बोली। आमिर खान की गलती क्या रही कि घर की बात, ये हमारे घर की बात है कि मेरे घर में क्या बात होती है, उसने वो बात मीडिया के सामने रख दी। उसकी बीवी ने जो उसको बोला, या तो बीवी आके मीडिया को बयान देती तो उसमें आमिर खान साफ बच निकलता, लेकिन आमिर खान जी अपनी बीवी के साथ कह रहे हैं कि वो गोरी वो मुझे वाइफ कह रही है किरण कि यहाँ रहने लायक नहीं है, हम लोग बाहर चलते हैं वहाँ जाकर रहेंगे, उसको वो बात जो है लाल सिंह चड्ढा को खा गई। रक्षाबंधन को कौन खा गया, फिल्म की जो कहानी थी, स्क्रिप्ट थी फिल्म का, जो कुछ 2 घंटे से कम अवधि की पिक्चर, देखिए आप 200 रुपये खर्च करके जाते हैं कम से कम, हाल में 300-400 खर्च होते हैं। तो आपने साउथ की फिल्मों की बात की, आप पुष्पा से लेकर KGF से लेकर RRR, इन तीनों को उठाइए ना, 3 घंटे से बड़ी पिक्चरें आई है, कई फिल्में ऐसी जो 3 घंटे 10 मिनट तक की बनी हैं, इन सब की लेंथ जो 2.5-3 घंटे के आसपास रही है, और आप हिंदी की फिल्म बना रहे हैं उसमें आप 1.5-2 घंटे में कहानी निपटा रहे हैं, आपकी 3-3 बहनें हैं फिल्म में कहानी है, तो वो दर्शकों को पल्ले नहीं पड़ती। बायकॉट का असर एक लिमिट तक होता है। अब बायकॉट की तो अभी आपने ब्रह्मास्त्र की बात की, तो बहुत अच्छा पक्का था, जोर शोर से हुआ था उसका भी, ऐसी बात नहीं, आलिया भट्ट से लेकर हरेक का रणवीर कपूर तक का था, आलिया भट्ट का बयान भी उस समय पर आया हुआ था, उसी टाइम आया था, लेकिन उसके बावजूद फिल्म को उसको क्या किया गया, आपने उसकी शायद स्टाइल नहीं देखी, प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म को बेइंतहा प्रमोट किया, बेइंतहा पब्लिसिटी करी। एक मीडिया जो होता है, हम कहना है मैं मुझे परहेज नहीं है, बिकाऊ मीडिया बोलते हैं हम इसको, चाहे वो एनालिस्ट हो या उसके अंदर क्रिटिक हो, उन लोगों की फौज तैयार करी। बॉम्बे में ये सेटअप बहुत बड़ा है कि हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपने इस फिल्म के लिए ऐसे चलना है। वो एक पूरी टीम तैयार करी जिन्होंने पहले दिन से ये आंकड़े देने शुरू करे, 50 करोड़ 30 करोड़, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि ये ओवरसीज के आंकड़े हैं, दिल्ली के आंकड़े हैं। कुल मिलाकर अगर सर बात की जाए तो गंगूबाई कटियावाड़ी की वजह से ही जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है गंगूबाई, इस साल की हम चर्चा करते हैं 2022 की, तो गंगूबाई से पहले तो कोविड वाला मामला था, जनवरी फरवरी में तो कहाँ फिल्में थी, बिल्कुल ऐसा था सिनेमा जो कोई लगाता था फिल्म वो सोचता था कि 10 आदमी आएंगे देखने, 20 आदमी आएंगे, वो फिल्म क्यों लगाई जाती थी, उन्होंने टीवी चैनल के फिल्म को बेचना था, OTV देना था, इसलिए वो लगा देते थे फिल्म को। लेकिन गंगूबाई भी जब लगी, अगर आपको याद होगा, गंगूबाई से काफ़ी पहले कंगना रानौत ने एक मोर्चा संभाल लिया आलिया भट्ट के खिलाफ, और कंगना रानौत ने खूब डट के बोला, उसने इतना तक बयान दे दिया कि फिल्म ऐसा कर पाएगी तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी, और ये आलिया भट्ट ऐसा रोल कर ही नहीं सकती। तो इसका भी फायदा गंगूबाई को मिला। भाई देखिए कंगना भी अपने आप में बहुत बड़ी स्टार है, और कंगना के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो उसके दम इसलिए भी फिल्म देखती है, फिल्म में कंगना रानौत है। आप अगर कंगना की फिल्में उठाती हैं, हम जरा टॉपिक से जा रहे हैं, तो कंगना की फिल्मों का आप मुझे कोई सुपरस्टार बताइए, क्वीन उठती, क्वीन का कौन हीरो था जी, तन्नू बैट्समैन 2 पार्ट बनी और गजब 200 करोड़ का बिजनेस किया, हीरो कौन थे जी फिल्म में जी। कुल मिलाकर जो दर्शक हैं वो रियलिटी स्टोरी पसंद कर रहे हैं, ना कि फिक्शन स्टोरी।
बिल्कुल वो पसंद ही नहीं कर रहे। गंगूबाई की कहानी में क्या था, मैंने भी फिल्म देखी, प्रेशो ही देखा था। वो फिल्म एक सब्जेक्ट पे थी, एक ट्रैक पे संजय लीला भंसाली ने फिल्म को चलाया। वो गंगूबाई एक ऐसा करेक्टर था जो काफ़ी चर्चा में भी रहा, और मैं यहाँ किसी विवाद में भी पढ़ूंगा। और आलिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। देखिए, जो तारीफ योग्य है उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर कोई एक्टिंग अच्छी शाहरुख खान करेगा तो हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं यार वो स्टेटकॉम का या एम फैक्टर है तो हम इसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो आलिया भट्ट की जो एक्टिंग थी, फिल्म का म्यूजिक था, जो एटमोसफियर माहौल था फिल्म का, जो इंटरवल के बाद फिल्म ने दर्शकों को बांधा, वो एंड में लोगों ने क्लैपिंग करने के बाद ही हाल से बाहर निकले। गंगूबाई साल की पहली हिट फिल्म थी जिसने सिनेमा में उम्मीद जगाई, वरना उससे अगर गंगूबाई फिल्म ना चलती, मैं ऐसे कई सिनेमा ओनर्स को जानता हूँ जो ये फाइनल कर चुके थे कि वो अपना सिनेमा भले ही आगे कुछ होना हो लॉकडाउन कर देंगे, सिनेमा में ताला लगा देंगे, लेकिन गंगूबाई ने इंडस्ट्री को उस वक्त बचा लिया। अगर वही बात की जाए रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की सर्कस की, तो वो भी फ्लॉप हो गई है। बॉलीवुड के सुपरस्टार डायरेक्टर ने सूर्यवंशी, सिम्भा और साथ ही गोलमाल अगेन जैसी कई बैक टू बैक जो सफलता का स्वाद भी रखा है उस फिल्मों में, तो ये सर्कस ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर फुस हो गई, इसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं, ये फिल्म जब कंप्लीट हुई है, सर्कस जो कहते हैं ना, जो स्टार्ट हुई, सर्कस का शो शुरू हुआ, सर्कस दिल्ली में होती भी थी पहले, और सर्कस ख़त्म हुई, तो उसी वक्त जो फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी को, टी सीरीज को, भूषण को, उनको प्लस इंक्लूड फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिल्म का शो देखने के बाद, आफ्टर जब फिल्म बन जाती है, जी आपको ही मालूम होगा, दर्शकों को बहुत कम मालूम होगा कि फिल्म बनने के बाद उसके पब्लिक के लिए शो नहीं होते, सेंसर बोर्ड के लिए नहीं होते, उसके 5-7 ट्रायल रखे जाते हैं। उसमें किसी में रोहित शेट्टी अपने दोस्तों के साथ बैठेगा, किसी में भूषण कुमार जी बैठेंगे, किसी में रणवीर सिंह के दोस्त बैठेंगे। तो ये 5-7 चुमिन्नी थिएटर्स होते हैं मुंबई के अंदर, प्राइवेट थिएटर बोलते हैं, वहाँ पर ये उसके ट्रायल करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, को अपने दोस्त को भी ले जाता है। मान लीजिए मैं किसी स्टार का जानने वाला हूँ तो मुझे कहा चलो भाई आपको ये आज हम फिल्म दिखाते हैं, विश्वास के साथ कि मैं उसको लीक नहीं करूँगा। इस फिल्म को बनते के बाद ही उनको लग गया था ये फिल्म चलने वाली नहीं है, फिल्म की कहानी में दम नहीं है, फिल्म की प्रेजेंटेशन दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। अब वरना बताइए ना, रोहित शेट्टी ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्म को खूब जम के प्रमोट करते हैं। मैं रोहित शेट्टी की 2 फिल्मों के लिए मुंबई गया, चेन्नई एक्सप्रेस का मुझे अभी तक याद है, और एक फिल्म के लिए हम दोबारा गए थे मुंबई में। उन लोगों ने इतनी खातिरदारी और इतना पैसा खर्च किया था, बाहर रुकना, 7-स्टार 5-स्टार में ठहराना, इतना दिल्ली में जब वो आए उन्होंने पूरा माहौल बांध दिया था फिल्मों के लिए। कुल मिलाकर ऐसा कहना है कि सर्कस मूवी प्रमोशन नहीं हुआ ढंग? बिल्कुल प्रमोशन नहीं हुआ, चूंकि प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, आप अपना प्रमोशन तब नहीं करेंगे ना जब आपको मालूम है मेरे प्रोडक्ट ही कमज़ोर है, आपके चाट में मसाला ही नहीं है, तो आप ग्राहक से क्या बोलेंगे? उन्हें मालूम था कि फिल्म की कहानी कमज़ोर है, रणवीर सिंह इस रोल में फिट नहीं था, और ये फिल्म जिस फिल्म का वो था रीमेक मैं कहूँगा, वो अपने ज़माने की सुपर फिल्म थी संजीव कुमार की अंगूर। अगर जिसने अंगूर फिल्म देखी होगी या आज वो टी वी पर देखेगा, तो अंगूर की कहाँ फिल्म थी बताइए, देवेन वर्मा जैसे कलाकारों के साथ में कहाँ सर्कस। इस फिल्म को तो पहले दिन ही ओपनिंग नहीं मिली, इसको कोई अडवा को ताज्जुब होगा, इस फिल्म के लिए दिल्ली में कोई स्टार नहीं आया, रोहित शेट्टी नहीं आया, रणवीर सिंह नहीं आया, उससे पहले रोहित रणवीर की 2 फिल्म और पिटी लाइन से। तो सर्कस का फ्लॉप होना जो है वो कोई विवादों वाली बात नहीं है, उस फिल्म के साथ तो ऐसा होना ही था, ना कहानी थी, ना डायरेक्शन था, ना एक्टिंग थी। सर कुल मिलाकर लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे कि कुल मिलाकर जो इस साल की जो सुपरहिट मूवी गई है वो आपके नजरिए में कौन सी है? देखिए, एक फिल्म को ऐसा नहीं कह सकते, हमारे अगर 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे रामलाल जी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऐसा करने से पक्षपात होगा कि मैं साउथ की फिल्म को इग्नोर कर दूं या बॉलीवुड को इग्नोर कर दूं, तो बिल्कुल गलत होगा हमारे लिए भी, तो दर्शक भी कहीं ना कहीं बाद में कहेंगे कि गलत इन्होंने रिव्यू करे हैं, गलत चर्चा करी है। साउथ में देखिए KGF गजब, RRR गजब, क्या फिल्में बनी। आप जुग जुग जियो हमने उस पर चर्चा नहीं करी, जुग जुग जियो क्या एक कहानी थी, बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। वरुण धवन को फिल्म प्रेजेंट किया गया, किस तरह से प्रेजेंट किया। गंगूबाई देखिए कितनी बेहतरीन फिल्म रही, कितना बड़ा बिजनेस हुआ फिल्म का, और लोगों ने फिल्म को पसंद किया। तो फिल्में जो हैं बॉलीवुड और साउथ, इन 2 के बीच में अच्छी टक्कर रही, और दोनों ने 2-3 ऐसी फिल्में दी कि जिनको हम कहेंगे कि ये साल का गुलदस्ता फिल्में रही हैं। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम के लिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।